नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। बाजार में अच्छी खासी गिरावट थी, बावजूद इसके इस शेयर में आपको 15% से ज़्यादा का आज के दिन रिटर्न देखने को मिला है। तो इसका सीधा सीधा कारण है, और वो कारण है कि कंपनी के क्वार्टर फोर की अर्निंग आई है, और वो क्वार्टर फोर की अर्निंग है वो काफ़ी सही आई है। तो वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा रहा है प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में कंपनी का रिजल्ट। तो वीडियो काफ़ी छोटा है, आप अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करें रिजल्ट की, तो क्वार्टर फोर में कंपनी ने कमाए हैं 173 करोड़। पिछले क्वार्टर थ्री के अंदर कमाए थे 175, यानी कि लगभग 1% की गिरावट। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट है 24.74 करोड़, पिछली बार था 21.32 करोड़, यानी कि 16% की तेज़ी। EPS पिछली बार 4 रुपये था, सॉरी 3.46 रुपये था, आपकी बार 4 रुपये, यानी कि लगभग 16% की तेज़ी EPS में देखने को मिली है। अब बात करें क्वार्टर फोर 2021 की तुलना में, तो 2021 में कंपनी ने लगभग 113.36 करोड़ कमाए थे, अब की बार 173 हो गए, 52% की तेज़ी। प्रॉफिट अब की बार यहाँ पे कंपनी का लगभग 8.64 करोड़, पिछली बार 8.64 करोड़ था, अब की बार 24.74 करोड़, यानी 186% की तेज़ी। EPS पिछली बार 1.40 रुपये था, अब की बार 4 रुपये को क्रॉस कर गया, तो EPS में भी 186% की तेज़ी देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर का कंपेरिजन अगर हम करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर यहाँ पे कंपनी ने 624 करोड़ रुपए कमाए, पिछले में 319, लगभग इनकम डबल हो गई है। प्रॉफिट अब की बार 81.62 करोड़ है, पिछली बार मात्र 19.80 था, लगभग 312% की तेज़ी प्रॉफिट में। और EPS अब की बार 13.25 है, पिछली बार 3.21 था, तो 312% की तेज़ी यहाँ पे। तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट आपको मिल सकता है। धन्यवाद।